वेलकम टू द टॉपिक मॉर्फर। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पर हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं, जैसे मैं सीरीज चला रहा हूँ वैसे आप देखते जाइए, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से नीट के क्वेश्चन पूछे, हर एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन करने के तरीके, हर एक चीज को मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो डिटेल में वीडियो बन रहे हैं, अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए। जो वर्क आपको दिया जाता है जरूर करिए, इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज जो हमें देखना है वो आज देखना है लेक्चर नंबर 8 में हम क्या कवर करने वाले हैं, लोथर मेयर कर्व के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक आध दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं लोथर मेयर कर्व की बात करता हूं तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको पता रहने चाहिए जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आप चीजों को समझिए। देखिए, इन्होंने एक कर्व बनाया था, ठीक है। अब इन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो किसके किसके बीच में बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। ग्राफ की पहली बात आपको यह पता रहना चाहिए कि यहां पर अगर बात करता हूं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम को लिया। अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक वेट लिया। ठीक है, ये तो पॉइंट जो है मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट है एज इट आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ में कुछ पॉइंट ये हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक पॉइंट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पिक पॉइंट। जैसे आप ऊपर वाले ग्राफ से नीचे की तरफ आते हैं, ये आप नीचे की तरफ जैसे आप आते हैं तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग पॉइंट, मतलब डिसेंडिंग मतलब घट रहा है। ठीक है, सबसे नीचे वाले पॉइंट को आप बोलेंगे ट्रॉफ पॉइंट बोलेंगे, और सबसे जैसे आप उठेंगे, जैसे ग्राफ में हम क्या होंगे, जैसे हम ग्राफ में ऐसे करके उठ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये पहले वाले को देखिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इसको आपने क्या बोला, इसको आपने पिक पॉइंट बोला, इसको आपने ट्रॉफ पॉइंट बोला। ठीक है, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके पॉइंट को कवर करते हैं। जब लोथर मेयर जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एटॉमिक वैल्यू और एटॉमिक वेट के एटम्स लिए और फिर इसके बाद उनको सेट करना चालू किया, तो उनको एक तरीके का ग्राफ प्राप्त हुआ। इसी ग्राफ को आपको देखना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिक पॉइंट पर, जिसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, वहां पर इन्होंने एल्कली मेटल को रखा। एल्कली मेटल क्या होते हैं, जीवन वाले, आपको याद तो होगा जीवन कौन कौन से होते हैं बच्चा, हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, लीना ने की रब से फरियाद, याद करने की ट्रिक आपको पता ही होगी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जैसे आप डिसेंडिंग पॉइंट में आते हैं, मतलब आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कौन कौन से, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग पोजीशन। जो डिसेंडिंग पोजीशन होती है उस पर एल्कली अर्थ मेटल्स देखने के लिए मिलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, G2 फेज वाले होते हैं। G2 फेज वाले क्या होते हैं, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, ये G2 हो है और ये क्या है, ये जीवन है, याद करने की ट्रिक सभी को पता होगी, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ट्रॉफ की। ट्रॉफ से पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग, इसको आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग या तो असेंडिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं। वहां पर इन्होंने क्या रखा, हैलोजन को रखा। हाइलोजन क्या होते हैं, हाइलोजन होते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हाइलोजन होते हैं। अब अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी मतलब हाइलोजन देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे आप सबसे नीचे आते हैं मतलब ट्रॉफ वाले पॉइंट में आते हैं तो आपको एसेंड मतलब डिसेंडिंग पॉइंट में आपको कौन से मिलेंगे, एल्केली अर्थ मेटल मिलेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, जिसको आप याद रखते होंगे। फिर इसके बाद आपको हाइलोजन्स मिलेंगे। जैसे आप ऊपर जाएंगे असेंडिंग पॉइंट मतलब इंक्रीजिंग पॉइंट में जैसे आप जाते हैं तो आपको मिलते हैं हाइलोजन्स, और सबसे नीचे ट्रॉप पॉइंट पर आपको मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, किनके किनके बीच में ग्राफ था, एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज वीडियो को कवर करेंगे, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।